हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और बेहतरीन स्टॉक के बारे में, जिस स्टॉक में अगर हम पर मंथ एसआईपी मोड में स्टॉक्स को बाय करें तो ये स्टॉक जो है आने वाले 10 सालों में हमें बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दे सकता है। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और तेजी से जो है फ्यूचर में भी ये कंपनी बिजनेस ग्रो करने वाली है। कंपनी का बिजनेस जो है एवरग्रीन बिजनेस है, हर साल जो है अच्छा बिजनेस होता है इस कंपनी का, अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, अच्छा प्रॉफिट होता है। तो ओवरऑल जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स, फिर जानेंगे किस तरीके के रिटर्न्स बना के दिए हैं और इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि क्या क्या जो है कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का ओवरऑल जो है बिजनेस बहुत ही शानदार है। तो आपको क्या करना है, स्टॉक में एसआईपी मोड में जो है बाय करना है। मैं आपको इसके फंडामेंटल्स बताने वाला हूँ डिटेल में, तो आप वीडियो को जो है पूरा देखिएगा ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से पता चल सके इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। उसको देखने के बाद ही जो है आप डिसाइड कीजिएगा कि इस स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप देखिए 64,318 करोड़ का है, यानी कि लार्ज कैप की कंपनी है। करंट प्राइस जो चल रहा है 1266 रुपए, यानी कि 1266 रुपए का चल रहा है। तो कंपनी का अभी पिछले साल के मुकाबले क्या हुआ है, थोड़ा प्रॉफिट जो है प्रॉफिट में थोड़ा कमी आई है ईयर ऑन ईयर देखें तो। क्या हो सकता है इस कंपनी में फर्दर जो है थोड़ा गिरावट आ सकता है, तो हमें क्या करना है एसआईपी मोड में बाय करना है और गिरावट आए तब ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करना है, क्योंकि कंपनी बहुत शानदार है। इस कंपनी में आपका पैसा बिल्कुल भी डूबने वाला नहीं है, कंपनी पैसा बना के देने वाली कंपनी है। तो ऐसी कंपनी में अगर पैसा लगाओगे तो आपका पैसा जो है जरूर बनेगा। स्टॉक मार्केट में 52 वीक हाई जो बनाया है 1312 रुपए का बनाया है, 52 वीक लो जो बनाया है 895 रुपए का बनाया है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, 0.47% का है। फेस वैल्यू 1 की कंपनी है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए 1 से कम है 0.03, यानी कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत शानदार है 69.75% का है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन है स्टॉक के लिए। और रिजर्व देखिए 4097 करोड़ का जो है इनके पास कैश अमाउंट पड़ा हुआ है और टोटल इनके ऊपर कर्जा देखें तो 111 करोड़ का ही है। तो कंपनी का ओवरऑल जो फंडामेंटल पैरामीटर देखें तो वो जो है बहुत शानदार लग रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं किस तरीके का रहा है। तो सेल्स देखिए आप दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो 1848 करोड़ से जो 1639, यानी कि सेल्स में जो है थोड़ा गिरावट आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 341 करोड़ से 279 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें 17% का है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 219 करोड़ से जो है 235 करोड़ का हुआ है। तो ओवरऑल देखें तो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में जो है प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ है। तो इस कंपनी में जो है अगर गिरावट आए तो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बाय कीजिएगा। मैं आपको ये कंपनी इसलिए बता रहा हूँ कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और जिस कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा वो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत शानदार रिटर्न बना के देगी। तो ये भी इसी तरीके की कंपनी है और कोई भी अच्छी कंपनी हो किसी न किसी क्वार्टर में खराब रिजल्ट रहता है, किसी न किसी साल में उस कंपनी का अच्छी से अच्छी कंपनी का भी रिजल्ट जो है खराब आता है। तो वो टाइम होता है कंपनी को ग्रैब करने का, तो वो जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। अभी क्या हो रहा है इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो है फ्लैट रह रहा है, लेकिन क्या हो रहा है इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में ज्यादा गिरावट नहीं आ रही है। तो स्टॉक में जो है गिरावट जरूर मिलेगी आपको, तब जो है आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऐड कीजिएगा और अभी भी जो है आप एसआईपी मोड में बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स में एसआईपी मोड में बाय करना सबसे जो है बेस्ट ऑप्शन रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लीजिए आप। सेल्स देखिए 6078 करोड़ से 7079 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 1341 करोड़ से 1366 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 19% का है और यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट देखिए 2018 में देखिए आप और 2017 से अगर देखेंगे आप तो देखिए 860 करोड़ से 962 करोड़ का हुआ है। वो ट्रेलिंग 12 मंथ में 925 करोड़ का चल रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ यानी कि लास्ट 12 महीनों से। तो कंपनी ने देखिए 2018 में अभी तक का जो है सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है शो किया है, वो टीटीए में भी 925 करोड़ का चल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी में जो है अच्छा ग्रोथ हुआ है, लेकिन आप देखेंगे पिछले 12 महीनों में थोड़ा सा जो है प्रॉफिट में गिरावट आया है।
तो कंपनी में भी गिरावट देखने को मिल सकती है अभी कुछ सेशन बाद। तो आप लोग जो है गिरावट में बाय कीजिएगा इस कंपनी को। जब मैं आपको इस कंपनी का नाम बताऊंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कंपनी जो है कितनी स्ट्रांग कंपनी है और इस कंपनी का प्राइस जो है कभी जीरो नहीं होने वाला है। और ये कंपनी जो है मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है और 10 साल में इसने 1900% से ऊपर जो है रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। इसी तरीके का रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में कंपनी जनरेट करने का पोटेंशियल रखती है। तो ऐसी कंपनी का अगर आप जो है स्टॉक गिरावट में बाय करते हो तो स्टॉक मार्केट में पैसा जरूर बनेगा। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए आप लास्ट 10 साल का 27.57% का है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 18.79% का है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए 13.54% का है। ओवरऑल देखें लास्ट 10 साल का तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। बैलेंस शीट देख लेते हैं इस कंपनी का। रिजर्व देखिए 4,97 करोड़ का है, रिजर्व भी बढ़ चुका है। टोटल असेट्स देखिए 5,915 करोड़ का है। कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो जो है पॉजिटिव है। कंपनी का ग्रोथ में आपको बताता हूँ किस तरीके का ग्रोथ किया है कंपनी ने। तो देखिए कितना शानदार जो है 2007 से लगाकर देखिए यहाँ पर गिरावट आई थी, फिर जो है इस कंपनी ने अच्छा खासा मूव किया और अभी भी जो है ऐसा ही चल रहा है और इसका जो है अभी रिजल्ट इतना ठीक ठाक नहीं रह रहा है। तो इस कंपनी में गिरावट आए तो आप लोग जो है जरूर बाय कीजिएगा। कंपनी का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको इसका एक ही प्रोडक्ट बताता हूं, उसका आप जो है देख लीजिएगा। जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है उनमें जो है एडहेसिव बोलते हैं जो चिपकाने का काम करता है, फेविकोल। आप फेविकोल जो है उसके ऊपर कंपनी का नाम देखिएगा, आपको पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिखा हुआ नजर आएगा। तो मेनली जो है फेविकोल ये कंपनी बनाती है और फेविकोल जो है जब तक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चलता रहेगा फेविकोल का यूज होने वाला है। इसके अलावा भी इसके और अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनको प्रोडक्ट के रूप में जो है बेचती है ये, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए सिंस इंसेप्शन पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड टुगेदर विद इट्स सब्सिडियरीज हैज बीन अ पायोनियर इन कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया। तो केमिकल्स बनाती है ये। आप इसका रिटर्न देखिए लास्ट 10 साल में 1,957 जो है परसेंटेज का रिटर्न बना के दिया है। इंडस्ट्री पी के हिसाब से अभी महंगा है तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है, तो आप लोग एसआईपी मोड में ही बाय कीजिएगा और एक साथ बड़ा अमाउंट बिल्कुल भी मत लगाइएगा। उसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका। शेयर होल्डिंग अगर पैटर्न देखें इसका तो देखिए एफआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है, इंश्योरेंस कंपनी ने होल्डिंग घटाई है। उसके अलावा देखिए प्रमोटर की होल्डिंग में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, 453 एफआईज का पैसा लगा हुआ है। और म्यूचुअल फंड का देखिए 23 म्यूचुअल फंड का जो है पैसा स्टॉक में लगा हुआ है। तो स्टॉक का प्राइस जो है अच्छा मूव हो रहा है और अभी शॉर्ट टर्म में स्टॉक जो है आपको 1300 रुपए से ऊपर नजर आने वाला है। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग जो है अभी प्रेजेंट लेवल पर अच्छा खासा जो है अपना जो भी मनी मैनेजमेंट हो उसके अकॉर्डिंग 10-20 हज़ार रुपये अगर लगा सकते हैं तो उनका जो है 3 से 4 महीनों में अच्छा रिटर्न जो है स्टॉक में जनरेट होने वाला है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो ये कंपनी बहुत शानदार रिटर्न बना के देने वाली है। कंपनी का सीवी देख लीजिए, मैं आपको इसके ब्रीफ में ब्रांड्स बता देता हूँ। फेविकोल इसी का ब्रांड है, डॉक्टर फिक्सिट भी इसी का ब्रांड है, साइक्लो वो भी आइडियाज और रोफ और एमसील जो आप जानते ही होंगे वो भी इसी का ब्रांड है। द प्रोडक्ट रेंज ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स अंडर एडहेसिव एंड ग्लू सेगमेंट हैज मैन्युफैक्चरिंग वाइड रेंज। टॉप सेगमेंट देखें कंज्यूमर से आता है 84.29%, इंडियन प्रोडक्ट से आता है 14.80% और अदर से आता है 0.9%। अपनी इंडस्ट्री में छठे नंबर पर है, 6 रुपए का डिविडेंड दिया था पिछले साल। तो कंपनी बहुत शानदार है और इसका जो है हम देख लेते हैं क्वालिटी कैसी है, फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा है वो देखिए आप। तो क्वालिटी एक्सीलेंट क्वालिटी की कंपनी है, वैल्यूएशन जो है वेरी एक्सपेंसिव चल रहा है और फाइनेंशियल ट्रेंड मैंने आपको फंडामेंटल देखकर ही बता दिया था कि इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड जो है इसका क्वार्टरली रिजल्ट और ईयर रिजल्ट देखें तो पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा कंसिस्टेंट रहा है, ज्यादा बुरा नहीं रहा है लेकिन जो है फ्लैट रह रहा है।
तो आप लोग जो है जब भी गिरावट आए तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बाय कीजिएगा। फिर भी किसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और सब कुछ देखने के बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करें। और मेरी एडवाइस रहेगी, स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो SIP मोड में ही बाय करें और एक साथ पूरा अमाउंट ना लगाएं, क्योंकि इस कंपनी में जो है गिरावट जरूर आने वाली है, इसी साल के अंदर आने वाली है। एक बार जो ये हाई जरूर बनाएगा लेकिन उसके बाद जो है गिरावट जरूर आएगी, तो तब आप जो है इस स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।